देखिए आज हमने बेसन मावा के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। देखिए आप कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। दीपावली आने वाली है, ढेर सारी मिठाइयाँ बनती हैं घर में, इस तरह से बेसन मावा के लड्डू भी बनाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल को भी लता पटेल में। आज हम बनाएंगे बेसन मावा के लड्डू, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं बेसन मावा के लड्डू। बेसन मावा लड्डू बनाने के लिए देखिए हमने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने एक कटोरी बेसन लिया है, चने की दाल का आटा, इसे डाल लेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे बेसन को अच्छी तरह से। घी हमें एक बार में ही नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे जैसे हमें लगे कि घी अगर इसमें कम है तो हम इसमें घी डालते जाएंगे। एक बार में ही अगर हम घी डाल देंगे तो लड्डू उतने स्वादिष्ट नहीं बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप। हमें इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा। कलर तो उसका चेंज हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और लड्डू खाने में भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे और डाइजेशन के लिए भी अच्छे नहीं होंगे और वो टेस्ट भी नहीं आएगा लड्डुओं में। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बेसन को लो फ्लेम पर भूनना है। बस इसे लगातार चलाते हुए, छोड़ना नहीं है, चलाते हुए भून लेंगे। हमें इसे भूनते हुए लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बेसन को भूनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस तरह से अगर भूनते हैं तो लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं बेसन को भूनते हुए हमें इसमें घी कम लग रहा है, हमने एक बार में ही सारा घी नहीं डाला है, तो अब इसमें एक चम्मच और घी डाल रहे हैं हम। हमें इसे रोस्ट करते रहना है और अगर हमें लगे कि घी कम है तो ही हम इसमें घी डालते जाएंगे। भून लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। देखिए लगभग 14 से 15 मिनट हो चुके हैं बेसन को अच्छी तरह से भूनते हुए हमें। देखिए इस तरह से हो चुका है, ये घी भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब और ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें, तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमने मावा लिया है, होममेड मावा है, इसे डाल लेते हैं। अगर आप मार्केट वाला मावा यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले मावा को अलग से भून लीजिए, क्योंकि जो मार्केट वाला मावा होता है वो थोड़ा बुरबुरा सा होता है, इसलिए उसे भूनने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो होममेड मावा होता है ये नरम होता है, मुलायम होता है, इसे भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने इसे पहले नहीं भूना है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं बेसन के साथ मावा को। देखिए मावा मिलाने के बाद हमने इसे थोड़ा भून लिया है, ये इस तरह से हो गया है, भरभरा सा हो गया है मावा मिलाने के बाद। इसमें मावा मिलाने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए और भून लेना है, 4 से 5 मिनट के लिए हमने भून लिया है इसे। तो अब हम इसमें मिलाएंगे, ये हमने फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर, इसे डाल लेंगे इस तरह से। हलवाई वाले भी बेसन के लड्डू में येलो फूड कलर यूज़ करते हैं, इससे लड्डुओं का कलर अच्छा आता है। देखिए अच्छी तरह से मावा के साथ भी हमने बेसन को भून लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे, तो इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा। देखिए बेसन और मावा ठंडा हो चुका है, हमें इसे पूरी तरह से भी ठंडा नहीं करना है, हल्की सी गर्माहट होनी चाहिए इसमें, तो ये हल्का हल्का सा गर्म है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे, ये हमने इलायची का पाउडर लिया, इसे डाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने शुगर पाउडर लिया है, जिस क्वांटिटी में हमने बेसन यूज़ किया है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम शुगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं। हलवाई वाले भी सेम ऐसे ही करते हैं। अब मिला लेते हैं, आगे की प्रोसेस हमें हाथ से करनी है, इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, लड्डू में बाइंडिंग नहीं आ रही है, नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें घी डालकर लड्डू बना सकते हैं। इसमें घी मिला दीजिए और लड्डू बना लीजिए। सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया हमने, सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। तो अब हम हाथों को क्लीन कर लेते हैं और इसके लड्डू बना लेंगे। यहाँ से मिक्सचर लेंगे और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। लड्डू बड़े छोटे जैसे भी आपको बनाना हो आप अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हैं। देखिए बन गया लड्डू, इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए कितनी आसानी से बन गया।
तो इसे रख लेते हैं और सारे लड्डू ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। बस यहाँ से मिक्सचर लेंगे इस तरह से और ऐसे करके गोल गोल से लड्डू बना लेना है हमें। बहुत आसान है बेसन के लड्डू बनाना और आप इसे शुद्ध देसी घी में बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं ये बेसन मावा के लड्डू। तो बस इस तरह से ऐसे करके गोल गोल से लड्डू बना लेना है। देखिए ये लड्डू भी बनकर तैयार हो गया। बस ऐसे रखते जाएंगे और सारे लड्डू ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू, ऐसे कि बस मुंह में जाते से घुल जाए, इतने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस दिवाली मेरे तरीके से बेसन मावा के लड्डू जरूर ट्राई करिए आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।